इंडियन एडवांस स्टडीज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो एसजी आरडीयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग के एडमिशन प्रोसीजर, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है एसजी आरडीयूएचएस पोस्ट बेसिक पीबी बीएससी नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको एसजीडीयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा आईएएस पेपर डॉट नेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप आईएएस पेपर के वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा एसजीआरडीयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होएगा। डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा एसजीआरडीयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे आपको फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक, मैनेजमेंट बीबीए एमबीए, डिजिटल लर्निंग एमबीए, बीसीएम से कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म जर्नलिज्म, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, जो भी है उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे आपको एसजीआरडीयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे को आपको यहाँ पे दिख रहा है एसजीआरडीयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज होगा। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा इम्पोर्टेंट डेट और इवेंट। इम्पोर्टेंट डेट जो होते हैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे इवेंट आपको मिल जाएंगे, डेट्स आपको मिल जाएंगे। अवेलेबल ऑफ प्रोफेक्चर ऑफ एप्लीकेशन फी फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इधर पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ डेट्स और इवेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ओपन द ऑथोराइज वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस फ्रॉम द वेबसाइट। आप फ्रॉम द वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द ब्राउचर है। यहाँ पे चेक कैंडिडेट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त एप्लीकेशन एंटर द नेसेसरी डिटेल आपको एंटर करना पड़ेगा। रिगार्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, कोर्स रिलेटेड डिटेल, कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। फर्दर डिटेल और भी डिटेल मेंशन रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसे आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद आपका स्कैनर इमेज लगा देना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको लगा के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया। एप्लीकेशन फ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना एप्लीकेशन फ़ी के आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी भर देना, वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन है द पे द डायमंड ड्राफ्ट, DD के थ्रू आप पे कर सकते हैं 2000 फॉर रजिस्ट्रेशन श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एंड श्री अमृतसर, आप इसमें पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यहाँ कैंडिडेट मोस्ट हैव द पासेज जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स, आपका GNM कंप्लीट रहना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टूडेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से INC से अपना रहना चाहिए। कैंडिडेट हैज बीन पासेज सीनियर सेकेंडरी अब 10+2 एग्जामिनेशन, एनी अदर एग्जामिनेशन इक्वेशन देयर। आप कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट, आपको मेडिकली फिट रहना है। यहाँ पे स्टूडेंट आर द अपेयरिंग द एग्ज़ाम ऑल्सो एलिजिबल टू 45% PCB मेट,
आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिया हुआ है, द एग्ज़ाम विल बी टू आवर्स में आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम करने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपको, एमसीक्यू रहेगा आपको, 1 मार्क्स फॉर इच करेक्ट आंसर, 1 का आंसर के लिए 1 मार्क्स रहेगा आपको, नो नेगेटिव मार्किंग, माइनस पॉइंट नहीं आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी बेसिस ऑन सिलेबस, जी एन एम के सिलेबस पे आपको बेस्ड है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग पे, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एडमिशन आर 50%, 50% रहेगा आपको, पेपर सिख हिस्ट्री रिलीजियस का रहेगा आपको, सेकेंड क्वेश्चन बुकलोट विथ ओनली क्वालिफिकेशन सेम नेचर आपको रहेगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिया हुआ है, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड नोट, एडमिट कार्ड विल बी सेंड द हॉल टिकट ओनली द गिवन दोज कैंडिडेट हु कम्प्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कम्प्लीट कर चुका है एप्लीकेशन फॉर्म उसको ही, एप्लीकेशन फी हैज़ बीन रिसीव्ड, ऑफिस विल बी इंस्टीट्यूट, आपको ऑफिस में एप्लीकेशन फी आ गया रहेगा उसी को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एप्लीकेशन ऑल्सो नीड टू टेक सम कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड को आपको सम कॉपीज बना लेना है, केयरफुली आपको रखना है क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के टाइम पे आपका एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट थ्रू ऑनलाइन आएगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जहाँ से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी से अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, कैंडिडेट नीड टू ओपन पर्टिकुलर लिंक, आपको वेबसाइट जाना पड़ेगा, वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड द पर्टिकुलर चेक द रिजल्ट व्यू डाउनलोड रिजल्ट, आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस द कंसीडर ऑफ कोर्सेज बिलो द मेंशन द डिटेल, आपको दे अकॉर्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, एडमिशन एप्लीकेशन अपॉन द मेरिट लिस्ट, एडमिनिस्टर इशू द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो एडमिनिस्टर जो ऑफिशियल वेबसाइट वो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर करेंगे, वो इशू करेंगे, वो रिलीज करेंगे आपको मेरिट लिस्ट, तो आप तो थ्रू ऑनलाइन जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं अपना मेरिट लिस्ट और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग सीजन स्टार्ट होगा, द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ फाइनल द सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड द डिपॉजिट फी द काउंसलिंग फिलिंग द विच सीट विल बी ऑफर नेक्स्ट कैंडिडेट विल बी विच टिंग लिस्ट, आपका वेटिंग लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि मैं बताया था आपको HGRU यस पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।